इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की लगी भयानक आग को देखकर पूरी दुनिया दुखी है, क्योंकि यहां 50 करोड़ के लगभग बेजुबान जानवरों की मौत हो गई है। रविवार के दिन एडिलेड के बॉनिथान पार्क में 50 से अधिक पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हुए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भयानक आग से छुटकारा और बारिश के लिए नमाज पढ़ी और दुआ की। इस मौके पर मुसलमानों के साथ बड़ी संख्या में ईसाई भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा, हम आज एडिलेड में बारिश के लिए प्रार्थना में अपनी मुस्लिम बहनों और भाइयों के साथ शामिल हुए हैं। बिगड़ते और भीषण संकट के बीच बारिश के लिए प्रार्थना करने के लिए एडिलेड के बॉनिथान पार्क में मुसलमानों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। इस मौके पर प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला ने खुतबा दिया, जिसमें अल्लाह से रहम करने और गुनाहों से तौबा करी गई और ऑस्ट्रेलिया की शांति सलामती के लिए दुआ मांगी गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में अब बारिश भी हुई है, जिससे उस इलाके में अब आग पर नियंत्रण पा लिया गया है और वहां पर आए बचाव कर्मी बारिश की वजह से खुशी से झूम उठे और ऊपर वाले का शुक्रिया किया, लेकिन अभी भी बहुत से इलाके वैसे ही आग की चपेट में हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। इस आग में करीब 50 करोड़ जानवर जलकर मर गए हैं। इसमें हजारों कोआला जानवरों की मौत हो गई है और इसमें बहुत से लोग भी मारे गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के इकोलॉजिस्ट का अनुमान है कि 480 मिलियन करीब 48 करोड़ पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जीव की मौत हुई है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टीवी एम लाइव।